हेलो दगड़ियों, सबसे पहली आप सब तो आपकी छोटी बोली करिश्मा को सादर्पण करना। आप सब लोग ऐसा उम्मीद कर दो कि आप सब स्वस्थ होला मस्त होला। मैं तो बिल्कुल स्वस्थ मस्त नहीं, क्योंकि मेरी आज बहुत ज़्यादा तबीयत खराब ना, और मैं जाऊँ अभी हॉस्पिटल भी एक समेंडी थारमा, वो भी सरकारी हॉस्पिटल। तो मैं भयंकर ज़्यादा पेन हूँ आज, और पता नहीं कि ने ब्याह सवेर बेटे अंजन नहीं मैंने बाँ जो बाहर छोड़ी तो नहीं बेटियान। मेरा भयंकर दर्द होना रात बेटियान, मैं आंसू भी नहीं रोकना बिल्कुल ना। मैं भयंकर ज़्यादा पीड़ा होनी मेरा, मैं से ना कुछ बोलने लगे ना खाई लगे, कुछ नहीं होना ना खड़ो उठे होना ना बैठे होना ना। तो मेरा भयंकर बुरी हालत होगी, और मैं जाऊँ अब रे डॉक्टर में। तो चलो बताओ ना, पता है कि कन कन मेरे हालत क्या क्या, डॉक्टर क्या बोलता कन बोलता, और स्वामी जी और मैं जाना ना। तो तब देखना बगाड़ी मेरा समझ ही में नहीं आना, मैंने क्या करना करना करना, मेरे खाली रोन चला मेरे दिमाग में कुछ नहीं लगे कि क्या करना मैंने करना करना। मेरे होनी हालत खराब और दिमाग खराब है, तो ये देखा मैं तो रेह तैयार भी हुई ना, मेरे पेड़ भी प्राण जाना और मैं लग जाना वही कर ये देखा। और गाड़ी भी बोला गाड़ी में मेरे मन करो कि कब पहुँचनी गाड़ी, कब पहुँचनी। मेरी हालत खराब होगी बेचारी, मैं बोलूँ कि यार 5 किलोमीटर पेपर कब होता, 5 किलोमीटर आ। तो फाइनली ये देखा मैं पहुँचेगी मेडिकल में, ये देखा यो ना प्राइवेट मेडिकल। तो अब देखो ना ये क्या बोलता कन बोलता, अजो और जाँच ना होनी है, तो ये देखा अजो और जाँच होनी। तो तक बाद मेरा नंबर तो नहीं पर मतलब मैंने बोला कि बहुत एमरजेंसी में मिली, तो तब ना तो यौन कुछ नहीं बोली, यौन लेकर आए मैं सीधा सरकारी में कि यक जावल। और यो हमारा समेंडी धार को मार्केट, अब लगे हम जान कर अब क्या कर, क्योंकि डॉक्टर उन्होंने बोली कि नॉर्मल ना कुछ नहीं नहीं नॉर्मल ना, पर मेरे पेड़ रानी नहीं आज उतरा भी ना। तो आप देखो ना घर से करन दी कि नहीं रही, तो उन दवाई वगैरह कुछ नहीं देनी, तो उन बोली कि नॉर्मल ही ना तो नहीं होने वाले। तो फाइनली जन्नी मैं घर पहुँची, तन्नी मेरे सासू मान ले आई जो आप कहे थे ले आई ग्लूकोज कण साहब लिया, वो ग्लूकोज ले आए। और वो दिन पीड़क है कि इन ठंडो ले बुला ना जन गर्म है वजह से बोला ना, तो इन ठंडे पड़ जाए बुला कर गए ना। तो 3 दिन में पीड़क है ग्लूकोज, पर इन भी देखो ना फर्क पड़ दो कि नहीं पड़ दो, क्योंकि तो वाल उन दिन इन्हें ना सासू मान बोल के ग्लूकोज चढ़ाने दो ग्लूकोज के नहीं चढ़ाए, तो उन घर ही मतलब पीड़क है ना, तो उन कुछ नहीं बोली जानता था। और ग्लूकोज चढ़ाना बाद हम खाना खाए, तो मैं सीधा आराम करने लगे। और मेरा रखा खुट्टा उच्चा, क्योंकि डॉक्टर उतर बोले कि खुट्टा वो पक्के रखे बोले ना सरवाणिया च, और स्वामी जी कंग भी पड़िया ना ये देखना मत्थी प्यो वाला से, तो ये देखा हल्दी हाथ होने पर ना, तो लाइव देखना स्वामी जी कंग तक ना। मुश्किल से मैं ब्याह दिन बिठा ना, और अबरी बड़ा मुश्किल से थोड़ा मैं ठीक हालत में आई। 11 बजे का ब्लॉग भी चल तो मन कि सारा रिकॉर्डिंग मैंने और वही मैंने, तो क्योंकि ब्लॉग बनाने भी मेरे तुम्हें पता है बोल कि ब्लॉग बनाने भी मेरे बहुत जरूर है, क्योंकि सारा लोग इंतजार रहा था ना। और अब मैं आप पता बताने लगी कि मेरी इतना हालत खराब ने कि 3-4 दिन तला मुश्किल आला ब्लॉग, अगर हाँ अगर बोल का पर्चे ठीक आएगी ब्लॉग तो ठीक है ना, अगर ठीक होगी मैं तो आएगी ब्लॉग, अगर नहीं हो तो तब मुश्किल आला 3-4 दिन तला ब्लॉग। तो आप लोगों से प्रार्थना की जाना प्यार सपोर्ट आप कर देना तनी कर, और ब्लॉग देखो जरूर भूलिया ना बिल्कुल भी ना, और अपनी कहानी बोली तो बिल्कुल ही ना भूलिया ना। मेरे 3-4 दिन मेरे मतलब ब्याह दिन बिठान बहुत हालत खराब होनी, जब मैं बाँ जो बाहर बाड़ आए तो त्या वक्त बिठान मेरी हालत ठीक ही नहीं ना, और ब्याह रात में भी पूरी रात में सी नहीं ना, और अबर भी बड़ा मुश्किल से देखा कतना अंधेर होगी बहरे 7 बजे की, बड़ा मुश्किल से मैंने
बहुत खराब ने ब्लॉग बनाना बिल्कुल मोड़ नहीं पर ब्लॉग इन्हें की जरूरी डाउन ना ये सोचना था मैं डाउन कि मेरी तबीयत भयंकर खराब ना और 7 बजे के घर पर कोई नहीं ना सासू जी ना सासू जी भैंसों में जाए और स्वामी जी भी में जाए क्योंकि आज हमारा गाँव ना 8-9 बीओं ना 9 बीओ मंदार गाँव में आज तो स्वामी जी शादी में जाए जानो भी जरूरी ना क्योंकि तो ब्याज बटियान बोलो और जी कहो कभी ना पिट्ठा कुटन जाए ना आज दाल पिसन जाए और आज मेरी वजह से नहीं जाए मेरी तबीयत भयंकर खराब ना तो वजह से पर सिर्फ भैंसों में जाए 4 बजे एक तक तो बोलते मैं भांडा भूडा मैं ठोकर पर मेरे हालात ना लग के ठीक छा ही नहीं कि मैं यकन बहर नहीं कह सकूँ अब थोड़ा सा ठीक हुए तब जाकर मैं खड़ा उठी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूँ कि जना आप प्यार सपोर्ट बनाए तो तनी बनाए कह रखे अपने कन भूली भूलिया ना 3-4 दिन तला ऐसे मैं फिर आप पता है नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय दोस्तों मिलता आप पता है मेरी तबीयत ठीक होने बाद तो मैं रो लाओ कुछ समझ नहीं आना मेरे समझ ही नहीं आना क्या कना कनू कना कब जान में ना और हमेशा मई दगड़ी पता नहीं कि होने ना मतलब स्वामी जी को से ली को माई को से ली को यक से ली को मतलब हर चीज़ वो पता नहीं कि जीवन पढ़ दो मैं क्या करी बोल मैं कर रही ना मेरे समझ में नहीं आ रही।